हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंसाइट्स में। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जो था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से अपील रहेगी, अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, लास्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आगे यूज आने वाली है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन में अंतर। ये चैप्टर केवल उन फिक्स्ड एसेट्स के लिए या फिर उन नॉन करेंट एसेट्स के लिए है जो टेंजिबल इन नेचर है या फिर जो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। आज बात कर रहे हैं इनके मेथड्स। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने वाले मेथड, डेप्रिसिएशन का अमाउंट का मेथड आज डिस्कस करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड कौन से होंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दोनों में अंतर समझें, यहां पर ये मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं केवल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कि एसेट्स की वैल्यू एक साल में कितनी गिरती है। एसेट्स की वैल्यू जो गिरेगी वो हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगली क्लास में वो अमाउंट जो हमने इस क्लास में कैलकुलेट किया वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो यहां पर केवल मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इंडिया के अंदर मेनली दो मेथड फेमस हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए। एक तो स्ट्रेट लाइन है और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू। मैंने इन दोनों के नाम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मैंने ये भी बताया था कि इनके और नेम हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर केवल कॉस्ट मेथड या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू का दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एग्जाम में किसी भी नाम से ये आ सकता है क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन का ओरिजिनल कॉस्ट या फिर कॉस्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट, WDB रिटर्न डाउन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वापस रिपीट कर रहा हूं, हम मेथड अभी बात करें अमाउंट कैलकुलेट करने की, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कैसे निकाला जाएगा। तो पहले बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने की पहला फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ यहां से स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के आएगा। ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट मींस परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, इट आल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। साल्वेज वैल्यू मींस द सेलिंग प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच विल रियलाइज After the useful life of the asset, सीधी भाषा में एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद हम उसे कितने वैल्यू की मार्केट में बेचने वाले हैं उसे बोलते हैं salvage value। Useful life, assets एक business के लिए कितने समय तक economic रहेगी, कितने समय तक useful रहेगी। हम उसकी normal life की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी useful life की बात कर रहे हैं, हमारे लिए वो कितने साल तक फायदेमंद है। तो यहां से निकल के आने वाला है depreciation का amount। ये फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का, नंबर वन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला वापस स्ट्रेट लाइन मेथड का ही, डेप्रिसिएशन का वापस अमाउंट निकालने का, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100।
कॉस्ट की डेफिनेशन वापस रिपीट नहीं करूंगा, कॉस्ट की डेफिनेशन सेम वही है, बस यहां याद रखें ओरिजिनल कॉस्ट में डायरेक्ट रेट का मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड करना है। रेट कौन सी, एक साल में कितने प्रतिशत वैल्यू एसेट की गिरती है, एक साल में कितने प्रतिशत एसेट की वैल्यू गिरती है, यहां से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल के आने वाला है पर एनम, एक साल का डेप्रिसिएशन निकल के आने वाला है। अमाउंट कैलकुलेट कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये रहेगी डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू में हर बार पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है उस पर लगाएंगे, जिसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू WDV एट द एंड ऑफ द ईयर। मल्टीप्लाई भी रेट अपॉन 100, जिस साल हमने एसेट परचेस की है उस साल डायरेक्ट परचेस प्राइस पे लगने वाला है परचेस प्राइस, मल्टीप्लाई भी रेट अपॉन 100, लेकिन उसके आने वाले ईयर्स में हर साल साल के आखिर में जितनी वैल्यू रिमेनिंग रहेगी उस साल का डेप्रिसिएशन हटाने के बाद उसे बोलेंगे क्लोजिंग WDV या फिर WDV एट द एंड ऑफ द ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे रेट का डिवाइड करेंगे 100 का, तो निकल के आएगा WDV मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। सीधा मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूं, सपोज एक मशीन परचेज की गई है 1,00,000 रुपए की, मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, ये हमने खरीदी है 1 अप्रैल 2021 को, फॉर एग्जांपल अभी मान रहा हूं साल के फर्स्ट डे अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डे ही हमने मशीन खरीद ली है 1,00,000 रुपए की। अब डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है WDV मेथड के अकॉर्डिंग एंड SLM मेथड के अकॉर्डिंग, वो भी नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। अभी मैं सिंपल केवल अमाउंट पर फोकस कर रहा हूं, मैंने अभी अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट नहीं की है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिकॉर्ड कैसे करेंगे, अभी मैं केवल अमाउंट निकालने का डिस्कशन कर रहा हूं। मैं दो कॉलम बना रहा हूं, एक SLM के लिए दूसरा WDV के लिए, मैं ईयर भी लिख रहा हूं। यदि अपन 2021 की पहली तारीख को ही परचेज कर रहे हैं मतलब 1 अप्रैल को, तो पहला साल हो गया 2021-22, दूसरा हो गया 22-23, तीसरा हो गया 23 और 24। मेथड सबसे पहले बात कर रहे हैं SLM की, SLM के लिए हमें यदि पहला मेथड पहला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके लिए हमें चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट, वो गिवन है 1,00,000, लेकिन साल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है। चलिए साल्वेज वैल्यू में 0 मान लेता हूं, यदि क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है तो अपन 0 मान सकते हैं, लेकिन यहां पर लाइफ भी गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। लाइफ निकालने का दूसरा तरीका भी है लेकिन यहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूं, ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000, रेट दे रखी है, एक साल में डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन SLM में आ गया 10,000। SLM मेथड में हर साल फॉर्मूला सेम यही लगने वाला है, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई भी रेट अपॉन 100, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई भी रेट अपॉन 100। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं इसका मतलब लाइफ 10 साल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक साल में डेप्रिसिएशन लगा 10,000, वापस अगले साल लगेगा 10,000। फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 × 10/100, फिर वापस 1,00,000 × 10/100, इसका मतलब एक साल में डेप्रिसिएशन लग रहा है 10,000 का, तो मशीन की लाइफ 10 साल में, मशीन की जो वैल्यू है 10 साल के बाद हो जाएगी 0, या फिर वो मशीन हम अधिकतम 10 साल तक इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा पहलू ये भी है कि मशीन 10 साल के बाद हो जाएगी, मशीन की वैल्यू 0, क्या तब भी हम मशीन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें 10% के हिसाब से केवल 10 साल ही हमारे लिए यूजफुल लाइफ है। WDV मेथड के अकॉर्डिंग 1,00,000 की मशीन खरीदी है, जिस साल मशीन खरीदेंगे ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 है, पिछले साल मशीन थी नहीं तो डेप्रिसिएशन कुछ होगा ही नहीं, तो सीधा 1,00,000 का 10% 10,000 पहले साल का,
फिर अब साल के आखिर में वैल्यू कितनी रह गई है? बिल्कुल सही, 1,00,000 - 10,000 90,000। अब अगले साल लगेगा 90,000 का 10%, मतलब 9,000। फिर उसके अगले साल, अब यहां पर बात क्या ध्यान रखनी है, हमें WDV चाहिए, पिछले साल के आखिर में कितनी थी। कुछ लोग सोच रहे हैं 1,00,000 - 10,000 90,000 वापस लगा दे 9,000, नहीं, हमें जस्ट लास्ट ईयर जो हमने पास किया है उस साल के आखिरी दिन वैल्यू कितनी रह गई थी। पहले साल 21-22 में वैल्यू 10,000 रिड्यूस हुई, 90,000 रह गई। फिर हमने 22-23 में 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू रह गई 81,000। फिर तीसरे साल लगेगा 10%, मतलब 8,100। तो देखेंगे तो SLM में वैल्यू कांस्टेंट चलती है। यदि हम 12 महीने यूज कर रहे हैं मशीन या फिर उस पर्टिकुलर एसेट को, तो वैल्यू कांस्टेंट चलेगी। WDV में वैल्यू हर बार डेप्रिसिएशन की गिरती हुई जाएगी, इसीलिए नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। यहां पर नाम है स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहेगा वो चलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ग्राफ में शो करूं, ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करें, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा जूम वगैरह कुछ करके देखें। अब ग्राफ मुझे प्रिपेयर करना है, ग्राफ प्रिपेयर करना है, तो डेप्रिसिएशन में यहां पर लाइफ मशीन की जितनी चलती जाएगी, मशीन का डेप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन में, लाइफ पहले साल में डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन 10,000, एक्स एक्सिस में ईयर, वाई एक्सिस में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन की एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। जबकि WDV में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो पहले साल डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन 9,000। तो लाइन कुछ इस तरह से आएगी, इसलिए नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि डेप्रिसिएशन अमाउंट गिरता हुआ जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू में। वापस समराइज कर लें, स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मेथड एक है, फॉर्मूले दो हैं। इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने का पहला फॉर्मूला, जिसके लिए हमें चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट, हमें चाहिए साल्वेज वैल्यू, हमें चाहिए यूजफुल लाइफ। साल्वेज वैल्यू नहीं दे रखी तो जीरो भी मान सकते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला हर साल अप्लाई होगा, मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट SLM से सेम आएगा। WDV और दूसरा फॉर्मूला डेप्रिसिएशन निकालने का स्ट्रेट लाइन मेथड से ही, ओरिजिनल कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 का। यदि हमें अगला मेथड फॉलो करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला है जो कॉस्ट लास्ट ईयर थी, सबसे पहले लास्ट ईयर की जो भी कॉस्ट बची थी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, जिसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट का, डिवाइड करेंगे 100 का। जिस साल एसेट परचेस की है उस साल सेम जो परचेस प्राइस है उस पर अपन रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, तो उस साल आ जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। SLM में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कॉन्स्टेंट रहेगा, पहले साल में फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा अप्लाई होगा एसेट को यूज करने के बेसिस पर। मैंने पहले साल मशीन खरीदी ही 1 जून में, अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, पहले साल मैंने मशीन खरीदी 1 जून में, तो पहले साल तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। स्टूडेंट कहेंगे सर पहले साल तो डेप्रिसिएशन कुछ अलग अमाउंट से लग रहा है, आप कह रहे थे कि स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल। तो डेप्रिसिएशन में बात कर रहा था 12 महीने की, यदि पूरे 12 महीने इस्तेमाल करेंगे हर साल तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा कॉन्स्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। इस लाइन का मतलब बताऊंगा, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू में हर साल डेप्रिसिएशन गिरता हुआ जाएगा। एक बात और, कंपनीज एक्ट दोनों तरह के मेथड अलाउ करता है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है केवल मेथड फॉलो करना पड़ेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसी डिफरेंस की वजह से अराइज होता है डेफर टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज। इसी के साथ आज हमने बात की दोनों मेथड के बारे में। केवल मैंने वापस रिपीट कर दूं, मेथड बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के, रिकॉर्डिंग के मेथड हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।